हाय क्लास 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.6 में इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इम्पॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, पहले उसको डिस्कस करते हैं। हमने पढ़ा था, हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना था जब टू फंक्शंस हमें दिए हुए थे प्रोडक्ट में। तो ये टू फंक्शंस हैं जो प्रोडक्ट में, यू और वी। तो हम यू का यू लिखते थे, फिर इंटीग्रल करते थे वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी वाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट लगाते थे यू, और इंटीग्रल करते थे वी डी एक्स और फिर डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं यार। देखो, एक्स साइन इनवर्स एक्स, किसको यू ले किसको वी ले, हमें आईलेट का नॉलेज है। ठीक, आई से आईटीएफ, एल से लॉगरिथम, ए से एलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फंक्शंस होते थे, ई से एक्सपोनेंशियल होता था। ठीक है, तो यहां पे हम इसको यू ले लेते हैं और इसको वी ले लेते हैं बेटा। ठीक है, इसको रखते हैं फार्मूले की फॉर्म में। यू पहले आएगा तो साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, इंटीग्रल करेंगे फिर ब्रैकेट लगाएंगे डी वाई डी एक्स ऑफ यू करेंगे साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, फिर इंटीग्रल करेंगे वी का, डेट इज एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और डी एक्स। ठीक है, इतनी बात मैं आपको बता चुका हूं। करते हैं आगे, साइन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डी वाई डी एक्स होता है वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, और यहां से आएगा इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। देखो, फार्मूले अगर याद नहीं है तो पहले फार्मूले याद कर लेना, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ओके, देखो ये तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स। अब एक बात सुनो, यहां पे देखो ये वन बाई टू को तो बाहर ले आओ आप, माइनस के वन बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसको बेटा आप कैसे करोगे इसको। तो देखो, इसको करने के लिए ना एक बहुत बढ़िया मेथड बता रहा हूँ, एक छोटा सा लिख लो कि ये स्टेप इस क्वेश्चन के लिए मुझे याद करना है। देखो, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर भी दिखेगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस में आईटीएफ आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाला, और एक एलजेब्रिक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टेप इस क्वेश्चन का यूज होगा, क्योंकि 8th क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, 9th क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, दो तीन क्वेश्चन है इसमें। अब करते क्या है इसमें, देखो सुनो, हम एक काम करते हैं, नीचे देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो मैं ऊपर भी यही बनाना चाहूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को तो लिखता हूँ ऐसे ही, लेकिन मैं इस एक्स स्क्वायर के साथ देखो माइनस आ रहा है, तो ये माइनस मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ और यहाँ प्लस ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अब वन आ रहा है तो वन को मैंने क्या किया, प्लस किया, और वन को ही मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक, ये प्लीज आप स्टेप नोट कर लेना, अपने पास लिख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड से मैं आपको इसको समझाऊंगा, आराम से हो जाएगा। अगर कोई और मेथड इसमें आप लगाने लग गए तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दूसरा मेथड भी है इसका, उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको लाने पड़ेंगे, फिर वो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको आने चाहिए, इसलिए मैं इसको ये वाला स्टेप आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। ऐसे इतनी एनर्जी नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आपको बोल रहा हूँ बार बार नोट करो इस स्टेप को। एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, अब देखो वन बाई टू, इसको अलग अलग कर लिख लेते हैं। ठीक है, वन बाई टू या ब्रैकेट यहाँ लगा देता हूँ मैं, बड़ा ब्रैकेट मैंने लगा लिया। ठीक है, क्योंकि दो यहाँ से आएंगे हमारे पास इंट्रीग्रेंट, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा बेटा अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट में डी एक्स, और माइनस आएगा वन इंटू डी एक्स डेट इज डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये मैंने अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दिया। ऐसा क्यों किया, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहीं पर देखो स्क्वायर रूट लगा दूँ और स्क्वायर लगा दूं, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। ऐसा इसलिए करा क्योंकि इसको मैं जब दो बार लिखूंगा तो ये एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, ठीक, इंटीग्रल। ठीक है, देखो ये दो बार आएगा तो एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको तो हम डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं वन माइनस, अगर आपको याद आ रहा हो, आप शुरू से मेरे से पढ़ रहे हो तो याद आ रहा हो आपका ये किसका फार्मूला है। देखो ये तो आराम से हो जाएगा, अब यहाँ पर ये भी बहुत आराम से हो जाएगा। सुनो, पहले इतनी बात राइट डाउन करो, फिर जरा आगे चलते हैं। देखो
इसको मैं सबको ही हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ, डू नॉट नीड। देखो लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स, इतनी बात समझ में आ गई, प्लस वन बाई टू। अब इसको देखो बेटा, एक फार्मूला बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 7.7 जब करोगे तीन फार्मूले यूज होंगे उसमें, उसमें से एक फार्मूला यहाँ इधर को लिखता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरह की फॉर्म का इंटीग्रेंड दिया होगा, आपको क्या लिखना है एक्स बाई टू, एक्स बाई टू करोगे फिर यही आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही लिखोगे क्योंकि तीन है ना ये, तो उनमें से मैं याद करने की ट्रिक भी आपको बता रहा हूँ, ए स्क्वायर बाई टू, फिर आएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो देखो ना, वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसकी फॉर्म में, तो इसकी फॉर्म में लिख देते हैं इसको, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास वन बाई टू तो बाहर है मेरा, ठीक, और इसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, और एक काम करो ना, एक ब्रैकेट्स का बहुत रोल होता है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक्स बाई टू तो लिखेंगे एक्स बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में, फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर, ए कौन है वन है, तो वन का स्क्वायर तो वन बाई टू ही हो जाएगा, ठीक, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, डेट इज एक्स कौन है बेटा, एक्स तो एक्स है यहाँ पर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए कौन है वन है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ से इसके लिए सी वन आएगा, इसके लिए सी टू आएगा, तो वो सी वन सी टू की कहानी में शुरू से आपके बता रहा हूँ, आप कैपिटल सी दिखा दोगे, अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, आप राइट डाउन कर लो और टीचर को भी लिख के दिखा देना सच सेट, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो हो गया जी, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, मैं भी बहुत ध्यान से कर रहा हूँ ताकि मुझसे भी कोई गलती ना हो। अब आ जाओ माइनस, ठीक, माइनस, अब एक बात देखो बहुत ध्यान से, मैंने आपको एक फार्मूला याद कराया था, रूट वाले फार्मूले याद कराए थे कि वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट था डी एक्स इंटीग्रेट, ठीक है, इसका फार्मूला क्या था बेटा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है, याद आ रहा है, तो इसको इसकी फॉर्म में रखते हैं, तो यहां रखें माइनस साइन इनवर्स एक्स, ए कौन है वन है, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस कैपिटल सी, इसके होल के लिए हमने कैपिटल सी लिख दिया, ये सब्सट्रैक्ट करके आप दिखाओगे, ठीक है, चलो बस, अब हमने इसको इनके जो है एंटी डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिए, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अभी हो जाएगा एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई टू की यहां भी मल्टीप्लाई होगी, वन बाई फोर साइन इनवर्स एक्स, और यहां आ जाएगा माइनस के वन बाई टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस कैपिटल सी। तो देखो अब बेसिकली क्या, आप इसको यहाँ भी छोड़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा मार्क्स मिलेंगे। अब एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना है तो मुझे कराना पड़ेगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखो यहाँ से देखो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और कॉमन लेते हैं हम साइन इनवर्स एक्स ले लो कॉमन और टू भी कॉमन ले लो, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से बचेगा वन बाई टू, और यहां से बचेगा माइनस के वन, ठीक है, और ये वाली टर्म ऐसे ही रह गई एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी। थोड़ा सा और रिजॉल्व कर लो साइन इनवर्स एक्स बाई टू, ठीक, ये कितना आएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, तो प्लस वन माइनस टू कितना हो गया माइनस वन, और अपॉन टू इसके साथ आ गया तो ये फोर हो गया, ठीक, ओके, चलो आगे चलते हैं, प्लस एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल सी, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है, इसका आंसर चेक करते हैं 7.6 का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो हमारा आंसर आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, वन बाई फोर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स बाई फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में प्लस कैपिटल सी। अच्छा मैं सोच रहा था आपको भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी करा दूं, आपको अगला करा सकता हूं वैसे मैं आपको, ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन भी करते हैं, प्लीज राइट डाउन।
देखो एट क्वेश्चन क्या करता है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स टेन इनवर्स एक्स को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है फिर से। तो ये यू हो गया बेटा और ये वी हो गया, ठीक। तो लगाते हैं फार्मूला, यू आएगा इंटीग्रल आएगा एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट लगाएंगे डी वाई डी एक्स ऑफ u tan इनवर्स x, ठीक है। देखो फिर फार्मूला यहाँ पुट करना पड़ेगा और फिर आएगा यहाँ पर x dx। तो इसलिए बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज लर्न दी फार्मूले फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। tan इनवर्स x, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू, ठीक है। मेरे माइंड में एक बात आ रही है कि जैसे ही मेरा चैप्टर पूरा होगा ना, मैं इंटीग्रेशन के जितने फार्मूलेज हैं ये सारे एक ही वीडियो में पुट कर दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का अलग बना दूं, डेफिनेट इंटीग्रल्स के अलग बना दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके जरूर बताएं, ठीक है। अपना ओपिनियन दे, टेन इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ये क्वान्टिटी इस तरीके से लिखी जाएगी। चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, ठीक, माइनस, बहुत ध्यान से देखेंगे, वन बाई टू को बाहर लिया हो, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस। अच्छा इसमें आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करोगे, देखो नीचे आ रहा है वन प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्लस का था, पीछे ध्यान से देखना वह माइनस का था, इसलिए मुझे अंदर माइनस रखना पड़ा। अब मैं यहाँ पे वन ऐड कर देता हूँ और वन को ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, देखेंगे 1 बाई टू आ गया तो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, क्योंकि वह अलग अलग इसको हम ब्रैक करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, और माइनस के डी एक्स लिख लो यहाँ पर, ठीक, माइनस के इसको लिखेंगे माइनस 1 इंटू डी एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, ठीक है, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पर हमारा जो बचा डी एक्स बचा, और माइनस इंटीग्रल करेंगे वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, समझ में आया। तो करते हैं आगे, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, वन बाई टू को अभी बाहर ही रहने दो, आप ब्रैकेट में एक चलो अभी, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस, इसका बताओ वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको यस मैंने सब बताया आपको फार्मूला, डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, वन तो को लिखते हैं ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना होता था वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स वाई ए प्लस सी, दिस इज ए, ठीक। तो इसको लिखेंगे, ए तो यहाँ पर कितना है वन है, ए कितना है यहाँ वन है, एक्स एक्स है, तो लिखेंगे वन अपॉन माइनस आ रहा है साइन बार, ठीक, तो ब्रैकेट फिर से लगाओ, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट्स बार बार, ब्रैकेट्स का बहुत रोल है, बहुत रोल है। एक्स माइनस इसको लिख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखो, वन अपॉन ए, ए कौन है वन, तो वन और अपॉन वन तो वन ही हो गया, टेन इनवर्स एक्स बाई वन, ठीक, ये आया यहाँ से, और प्लस कैपिटल सी, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको जरा यहाँ से रब करते हैं, ये फार्मूले जरूर लिख के दिखाना आप, ठीक है, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स, अब देखो अब माइनस वन बाई टू की मल्टीप्लाई करो तो माइनस के एक्स बाई टू आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना हो गया वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कैपिटल सी, दिस इज योर आंसर। आंसर इसका भी चेक करते हैं, सेवन पॉइंट सिक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाई टू प्लस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस कैपिटल सी। तो मेरी इंटेंशन ये है कि मैं वीडियो ज़्यादा लेंदी बनाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्वेश्चंस वीडियो को लेंदी कर देते हैं, ठीक है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड लक।